Evil Dead Rise का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है उसको आंसर कर देते हैं कि रिबूट है, प्रीक्वल है, सीक्वल है, क्या है। तो Evil Dead Rise एक सॉफ्ट रिबूट है। इसका मतलब अगर आपने पुरानी मूवीज नहीं भी देखी हैं तब भी आप इस मूवी को आराम से जाके एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अब Evil Dead Rise का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और चिंता की बात नहीं, इसमें कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले प्लॉट देख लेते हैं। तो Evil Dead जो फ्रेंचाइज है वो एक बुक के अराउंड रिवॉल्व करता है जिसको कहते हैं बुक ऑफ डेथ। वो बुक ऑफ डेथ ऐसी होती है कि उसको पढ़ने के बाद या उसके कंटेंट सुनने के बाद भूत आ जाता है और किसी को पजेस कर लेता है। और इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही फॉलो होता है कि एक मदर को पजेस कर लेता है, तभी आपको बहुत सारे पोस्टर्स पे मॉमी वर्ड दिख रहा होगा। Evil Dead Rise एक डिफरेंट टेक्निक फॉलो करती है हॉरर की जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज में देखा होगा कि जब तक भूत की शक्ल रिवील नहीं होती है तब तक हमें डर लगता है। वो होता है एंटिसिपेशन वाला डर कि यहाँ से भूत आ सकता है, वहाँ से आ सकता है। मुझे पता नहीं Evil Dead Rise वालों ने कैसे पुल ऑफ कर लिया, पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें दिखा दिया था कि भूत कैसा दिखने वाला है। और उसके बाद भी वो जब जब स्क्रीन पर आ रहा था तो तब तब डर लग रहा था। तो इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था Evil Dead Rise का भूत। और उसको प्ले किया है एलिसा सदरलैंड ने जो मॉमी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टिंग की है। क्योंकि अगर आप अपना फेस रिवील करवाने के बाद ऑडियंस को डरा ले जा रहे हो तो डेफिनेटली मेकअप का रोल तो है ही, पर आपकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। तो इतना सब बोलने के बाद क्वेश्चन आता है मन में कि क्या ये प्योर हॉरर मूवी है? तो नहीं, ये कॉन्जरिंग मूवीज जैसी नहीं है, ये प्योर नहीं है हॉरर। इसमें गोर भी बहुत ज़्यादा है। गोर बोले तो यही जो गंदी चीज़ें जो कुछ लोगों को लग सकती है पर जो लोग आर रेटेड स्टफ देख लेते हैं उनको नहीं लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स का उल्टी करना, कैरेक्टर्स का खून की उल्टी करना, कैरेक्टर्स का ब्लैक टार की उल्टी करना, और जितनी भी ब्लडी चीज़ें इमेजिन कर पा रहे हो वो लगभग सब कुछ है Evil Dead Rise में। अगर मूवी की स्टोरी लाइन को जज करें तो बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है, कोई सेंस नहीं बनाती है कि जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो मुसीबत को खुद ही गले लगा लेते हैं। मतलब ये तो कुछ ऐसा ही होगा कि अगर आप एक नदी के सामने खड़े हो जिस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तब भी आप आराम से उस नदी के अंदर चले जाते हो कि देखता हूँ मगरमच्छ के साथ तैर के कैसा लगेगा। मगरमच्छ वाली मूवी नहीं है, बस एक एग्जाम्पल था। और चलिए कुछ भी सही, Evil Dead Rise का लास्ट में मैं रिव्यू समअप करते हुए यही बोलूँगा कि हॉरर मूवी आपके एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर करेगी, तो आप इसको आराम से देखने को जा सकते हो अगर आपको ब्लडी चीज़ों से कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 7.5 out of 10। तो यही था मेरा Evil Dead Rise का रिव्यू। क्या आपने मूवी देख ली है? नीचे कॉमेंट्स करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।